ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे और आप लोगों को इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले समझते हैं कि टी बिल्स होते क्या है। टी बिल्स एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो की शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 6% से 7% के बीच का रिटर्न मिलता है और आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का चांस मिलता है। अब ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड भी 1 साल से कम का होता है। मतलब कि अगर आप लोग ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 64 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि ट्रेजरी बिल्स होते क्या है और ट्रेजरी बिल्स में कितने रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पर और जानते हैं कि आपको ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अब टी बिल्स इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीजन ये होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कम होता है। अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है टी बिल्स में तो मार्केट में 3 तरह के वेरिएंट अवेलेबल हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला वेरिएंट है 91 डेज का और सेकंड वेरिएंट है 182 डेज का और थर्ड वेरिएंट है 364 डेज का। मतलब कि आप लोग इन 3 टाइम इंटरवल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेकंड चीज रिटर्न्स, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको FDs और RDs के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपनी सेविंग्स को सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो यहाँ पर आपको 2-3% तक का ही रिटर्न मिलेगा। अगर आप लोग FD या RD करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये FD और RD भी आपको 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए करनी पड़ेगी। तो FD और RD के कंपैरिजन में टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए वर्थ ऑप्शन हो सकता है। और ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप लोग 91 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, अगर आप लोग 182 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और अगर आप लोग 364 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि अगर आप लोग 1 साल से 1 दिन कम के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। अब रीजन नंबर 3 ये है कि टी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, तो यहाँ पर आपके डिफॉल्ट के चांस भी 0% हो जाते हैं। आपको आपके पैसे रिटर्न मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि आपके लिए इनकम का काम कर सकता है अगर आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा हो। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना? तो चलिए जानते हैं कि टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। अगर आप लोगों को टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग RBI रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर आ सकते हैं जहां पर आप लोग टी बिल्स, कमर्शियल पेपर और इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स और ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, फिर फंड्स को ऐड करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर इस RBI रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर करना है। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है, मतलब कि आपका अकाउंट नहीं है RBI रिटेल डायरेक्ट के साथ, तो आपको सबसे पहले अकाउंट ओपन करना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आपको टाइम टू टाइम ईमेल्स के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो आप वहां पर जाकर फंड्स को ऐड कर सकते हैं और जिस तरीके से शेयर्स को बाय या सेल करते हैं उसी तरीके से आपको टी बिल्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोग टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके टी बिल्स की होल्डिंग को भी शो किया जाएगा RBI रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर ही, तो आपको और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली आपको टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाय द वे, टी बिल्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।